हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल नेहाज किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वेनिला कपकेक की रेसिपी। तो क्रिसमस बस आने ही वाला है, इसलिए इस बार मैंने इसका थीम रखा है क्रिसमस, और जिसमें मैंने चॉकलेट बटर क्रीम का यूज किया है। तो इस रेसिपी में मैंने कोई भी अंडे का यूज नहीं किया है, और उसके बाद भी ये जो कपकेक है ये इतना ज्यादा स्पॉन्जी और खाने में एकदम सॉफ्ट बना है। तो इसके सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बाउल में आप डालें आधा कटोरी दही। तो यहाँ पर आप गाढ़ा दही का यूज करिएगा, और उसके बाद आप उतने ही क्वांटिटी मतलब आधा कटोरी डाल दें उसमें शक्कर। तो यहाँ पर आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जब तक जो शक्कर है वो अच्छे से दही में घुल ना जाए। और जब शक्कर पूरी तरीके से अच्छे से दही में घुल जाए, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 कप तेल। तो आप यहाँ पर तेल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से दही और शक्कर के साथ मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स करने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, और जब तेल ऊपर की परत में दिखना बंद हो जाए इसका मतलब वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 TSP वेनिला एसेंस, और फिर एसेंस डालने के बाद भी आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। मेरे आने वाले अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप एक बड़ी सी छन्नी ले लें, और उसमें डाल दीजिए आप 3/4 कप मैदा, और फिर उसमें आप डाल दीजिए 1.5 TSP बेकिंग पाउडर एंड 1/4 TSP बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो आप ये सारी चीजें अच्छे से छान लें ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और बैटर में कोई लम्स भी ना हो। तो इसके बाद आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। आप इसको बहुत ज्यादा ओवर मिक्स बिल्कुल ना करिएगा। तो आप इसे हाफ कट मेथड भी बोल सकते हैं, आप इसे कुछ इस तरीके से मिक्स कर लें। तो वेनिला कपकेक का बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। तो चलिए करते हैं इसके कपकेक बनाने की तैयारी। तो कपकेक मोल्ड को आप पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लें, ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप करेंगे तो कपकेक इससे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और बैटर में आपको लास्ट में डालना है 1 TSP लेमन जूस। तो लेमन जूस डालने के बाद आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, और आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है ये बहुत ही हल्का हो चुका है। तो लेमन जूस डालने के बाद आप इसे इमीडिएटली कपकेक के मोल्ड में डाल दीजिएगा। तो आपको बैटर 3/4 ही भरना है, अगर आपने इसको फुल भर दिया तो ये मोल्ड के बाहर आ जाएगा। तो आप इस वक्त ओवन को प्रीहीट करने के लिए 180 डिग्री पर रख दें। तो ये कपकेक बनाना इतना आसान है कि आप किसी भी ओकेजन में इसे बना सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप ये एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो ट्रे को आप थोड़ा सा टैप कर दें ताकि इसमें से सारे एयर बबल निकल जाएं। तो 180 डिग्री में आपको इसे 20 से 22 मिनट तक बेक करना है, या जब तक आप इसमें टूथपिक डालें और वो क्लियर ना निकले तब तक आप इसे बेक करें। तो मुझे इसे बेक करने में 20 मिनट लगे हैं। तो आप इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए रख दें। और अब हम करते हैं बटर क्रीम चॉकलेट आइसिंग की तैयारी। तो यहाँ पर आप 50 ग्राम कोई भी डार्क चॉकलेट ले लीजिए अपने पसंद का, और उसे डबल बॉइलिंग मेथड मतलब गर्म पानी के ऊपर बाउल रख के आप इस तरीके से उसे मेल्ट कर लें। तो याद रखिएगा कि आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि जो चॉकलेट है वो जले ना। अगर चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है तो आप पानी को फिर से उबाल सकते हैं और उसके ऊपर ऐसे बाउल रख सकते हैं, और आपको इसे तब तक मेल्ट करना है जब तक इसमें पूरे लम्स खत्म ना हो जाए। तो एक बाउल में ले लें आप अनसॉल्टेड 125 ग्राम बटर। तो यहाँ जो ये बटर है उसको मैंने फ्रीज से थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहे और इसे मिक्स करना बहुत ही आसान रहे। तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो आपको बटर तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। तो बीच बीच में आप बाउल को किनारे से क्लीन करिएगा ताकि सारा बटर जो है इसमें अच्छे से यूज हो जाए। तो आपको इसे करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की ही जरूरत पड़ेगी, हाथ से करना ये काफ़ी मुश्किल है। और एक बार बटर जब अच्छे से फ्लफी हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 100 ml कंडेंस मिल्क, और इसके बाद आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो 4 से 5 मिनट तक आप इसे मिक्स करें ताकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने। तो ये देखिए कंडेंस मिल्क और जो बटर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है।
तो जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखा था वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, हल्का सा वो कुनकुना है। अगर आप उसको बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो वो फिर से सॉलिड बनने लग जाएगा। तो चॉकलेट डालने के बाद आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो याद रखिएगा कि चॉकलेट में कुछ भी सॉलिड नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन के वक्त वो नोजल से निकलेगा नहीं। तो आपको इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। तो बाउल को आप जो है किनारे से भी क्लीन करिए ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से बटर और जो कंडेंस मिल्क हमने डाला है उसमें मिक्स हो जाए। और चॉकलेट बटर क्रीम की आइसिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये आइसिंग बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम चॉकलेट आइसिंग पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बटर क्रीम आइसिंग जो होती है वो कपकेक के ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन रहता है वो काफ़ी देर तक स्टेबल रहता है। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी नोज़ल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली 2 तरीके के नोज़ल यूज़ किए जाते हैं कपकेक के लिए। तो आइसिंग करने के वक्त आप ये बात याद रखिएगा कि जो कपकेक है वो ठंडा होना चाहिए। अगर कपकेक गर्म रहा तो ये जो आइसिंग है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रिसमस के फोंडेंट टॉपर्स आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप अपने मर्जी का कोई सा भी इसमें टॉपर्स लेकर इसमें अच्छे से सजा सकते हैं। और ऊपर से इसमें आप डाल दीजिए कुछ ग्रीन और रेड कलर के स्प्रिंकल्स। तो कपकेक की ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको वेनिला कपकेक की ये रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी आसान लगी हो तो इस क्रिसमस आप ये बनाकर जरूर देखिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और भी अच्छी रेसिपी के साथ।